नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। भारत, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज का। आज शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और साथ ही साथ सदस्यों को हिदायत दी गई है कि वो अपना मोबाइल फोन लेकर इस मीटिंग में ना आए। 5 राज्यों में करारी हार पर कांग्रेस मंथन कर रही है। रंजीता झा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रंजीता, 4 बजे मीटिंग का वक्त मुकर्रर हुआ है और ये निर्देश भी कि मोबाइल लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में जो हार हुई है उस पर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान जो है उस तरह की भी चीजें बाहर आती है जो बैठक की अंदरूनी जो खबरें होती हैं वो। इस पर हिदायत रखने के लिए और इस पर नजर रखने के लिए सभी वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनको कहा गया है कि वो फोन ना लेकर आए। मैसेज के द्वारा ये जानकारी दी गई है ताकि जो अंदर पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो जानकारियां हैं, वो मीडिया तक ना जा सके। रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर यह है, शाम को 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। 5 राज्यों में करारी हार पर महामंथन हो रहा है। पार्टी के अंदर खाने जो लड़ाई है उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि लोगों से कहा गया है कि मोबाइल फोन लेकर मीटिंग में ना पहुंचे। जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहते कि इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मीडिया में लीक हों, बाहरी लोगों को इस मीटिंग के बारे में पता चले। लेकिन अंदर खाने जो खबर है, मुकुल वासनिक को कहा गया है, उनके नाम पर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो तमाम बड़े नेता उन पर भी आरोप लगे कि वो सियासत करते हैं, मनमानी करते हैं और शायद इसी वजह से पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। G23 के जो नेता हैं वो अब इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और अपनी बात मुखर होकर रखेंगे। लेकिन